तो फाइनल कैसे हैं आप सब, उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। और एक न्यू वीडियो में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं अपडेट वाली वीडियो में। तो देने वाला हूं आप सभी को साउथ और बॉलीवुड इंडस्ट्री की फिल्में आ रही है उन सभी का अपडेट। कुछ फिल्मों का आइटम सॉन्ग आ रही है, कुछ फिल्मों का रिलीज डेट कन्फर्म हो चुका है, कुछ फिल्मों का शूटिंग शुरू होने जा रही है। धनुष की जो फिल्म आ रही है कुबेरा, इस फिल्म में एक नए एक्टर का नाम जुड़ चुका है। साथ ही फिल्म के स्टोरी को लेकर भी कुछ अपडेट दिया गया है ट्विटर हैंडल पर। रिवील स्टार प्रभास की सलार 2 को लेकर भी एक अपडेट निकल कर आ चुकी है, फीमेल लीड से जुड़ी। साथ ही शूटिंग को लेकर भी अपडेट निकली है। नेक्स्ट गुड बैड अगली की तरफ से भी एक अपडेट निकल कर आ चुकी है अजीत कुमार सर के किरदार को लेकर। साथ ही थलापति विजय सर की जो अपकमिंग फिल्म आने वाली है द ग्रेटेस्ट ऑल टाइम, इस फिल्म के आइटम सॉन्ग को लेकर एक अपडेट निकली है। मास महाराजा अजय देवगन सर की जो फिल्म आने वाली है रेड 2, इस फिल्म के शूटिंग को लेकर एक अपडेट निकली है। तो देने वाला हूं आप सभी को सभी बड़ी छोटी अपडेट। तो सिंपल सी बात है, बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए, बने रहिएगा एंड तक। पहली फिल्म होने वाली है कुबेरा, जो कि धनुष सर की अपकमिंग फिल्म होने वाली है। इस फिल्म में हम सभी को नागा अर्जुना भी देखने को मिलने वाले हैं, जो कि एक पुलिस वाले के किरदार को निभाते हुए नजर आने वाले हैं। फिल्म का शूटिंग फिलहाल में चल रहा है मुंबई में। यह फिल्म मुंबई के धारावी के बैकड्रॉप पर आधारित होने वाला है। कहा जा रहा है कि इस फिल्म में हम सभी को धनुष एक भिखारी के रोल को प्ले करते हुए नजर आने वाले हैं, जो कि एक समय के बाद माफिया यानी कि डॉन में बदल जाते हैं। इस फिल्म को डायरेक्शन शिव मनी दे रहे हैं और फिल्म के अंदर हम सभी को रश्मिका वंदना भी देखने को मिलने वाली है, जो कि पिछले के वीडियो में आप सभी को बताया था। और नए एक्टर का नाम तो जुड़ ही चुका है नागा अर्जुना का। नेक्स्ट सलार 2, रिवील स्टार प्रभास सर की अपकमिंग फिल्म होने वाली है, मच अवेटेड फिल्म होने वाली है। इस फिल्म का फर्स्ट पार्ट आया था पिछले साल। इस फिल्म से भी एक महत्वपूर्ण खबर निकल कर हमारे सामने आ चुकी है। यह फिल्म में हम सभी को बॉलीवुड के एक्टर फीमेल एक्टर कायरा आडवाणी भी काम करते हुए नजर आने वाली है। इनका शायद फिल्म में एक इम्पोर्टेंट रोल होने वाला है। भाई साहब, अभी कायरा आडवाणी के हाथ में काफी बड़ी बड़ी फिल्में लगी है। इस फिल्म का शूटिंग 1 या 2 महीने से शुरू होने जा रही है। इस फिल्म को डायरेक्शन प्रशांत नील देने वाले हैं और स्टोरी भी यही लिखे हैं। नेक्स्ट फिल्म गुड बैड अगली, यह फिल्म की तरफ से भी और एक बड़ी अपडेट निकल कर आ चुकी है सामने। पिछले के वीडियो में आप सभी को तो दिया ही था, लेकिन फिर से और एक अपडेट निकल कर आई है। इस फिल्म में हम सभी को अजीत कुमार सर 3 अलग अलग किरदार को निभाते हुए नजर आने वाले हैं। ऐसे रोल में पहले अजीत कुमार सर आखिरी बार 2006 में आई वरलारू मूवी में नजर आए थे, जो कि 18 साल के बाद अब 3 अलग अलग डिफरेंट रोल में नजर आने वाले हैं काम करते हुए। इस फिल्म की तरफ से 1 मई को कुछ बड़ा अपडेट मिलने वाला है हम सभी को। नेक्स्ट थलापति विजय सर की जो फिल्म आने वाली है द ग्रेटेस्ट ऑल टाइम की तरफ से एक अपडेट निकल कर आ चुकी है सॉन्ग को लेकर। इस फिल्म में हम सभी को तेलुगु अभिनेत्री श्रीलेला, इस फिल्म में आइटम सॉन्ग के लिए बातचीत चल रहा था, लेकिन अब श्रीलीला ने मना कर दिया है आइटम सॉन्ग के लिए। शायद इस आइटम सॉन्ग को त्रिशा कृष्णा काम करते हुए नजर आने वाली है। यही थी छोटी सी अपडेट। नेक्स्ट रेड 2, यह फिल्म बॉलीवुड के मास महाराजा अजय देवगन सर की अपकमिंग फिल्म होने वाली है। इस फिल्म का शूटिंग चल रहा है फिलहाल में, इसका शूटिंग अगले हफ्ते पूरी हो जाएगा। दिल्ली में फिल्म का शूटिंग चल रहा है और फिल्म का अंतिम शूटिंग हो रहा है, जो कि अगले हफ्ता पूरी होने वाला है। इस फिल्म को डायरेक्शन राजकुमार गुप्ता दे रहे हैं। फिल्म के अंदर हम सभी को मास महाराजा अजय देवगन सर, रितेश देशमुख, वाणी कपूर जैसे बेहतरीन एक्टर काम करते हुए नजर आने वाली है। यह फिल्म दिसंबर में आने वाली है थिएटर में। तो फाइनली हमारा अपडेट वाला वीडियो यहीं पर खत्म होता है। वैसे इस लिस्ट में से कौन सी फिल्म का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और कौन सा अपडेट आपको अच्छा लगा, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।